जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि एम पॉकेट में लगातार कंप्लेंस डालने के बाद और जब से आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई है 1 जुलाई 2024 को लेकर, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दिया था, अब इसके रिगार्डिंग एम पॉकेट के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी को एक मेल आया है और उस मेल में लिखा हुआ है रिवाइज्ड पेनल चार्जेस। इसका क्या मतलब है और इसका क्या असर पड़ेगा अगर आपका ऑलरेडी लोन है या फिर आप लोन पेमेंट नहीं किए और आपका लोन डबल हो चुका है। अब यहाँ पे नई गाइडलाइंस लगने के बाद एम पॉकेट का खेल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और एम पॉकेट का जो कमाने का मेन जरिया था वो भी अब बंद हो गया। पहले एप्लीकेशन क्या करती थी कि बच्चों को लोन देकर उनसे दोगुना पैसा वसूली कर लेती थी और 2000 का दिया 4000 लिया, 4000 का दिया 8000, 8500 लिया, प्रेशर बनाया, डराया, धमकाया और पैसा वसूल लिया दोगुना। लेकिन अब से ये चीज़ें बंद होने वाली हैं और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास खुद एम पॉकेट से ये जो पेनल चार्जेस का एक मैसेज है वो आया हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा। देख सकते हैं आप लोग, मेरे फ़ोन में ये मैसेज शो हो रहा है। हो सकता है कि आपको भी ये मैसेज रिसीव हुआ होगा या फिर बहुत जल्द रिसीव होगा। अब इसमें क्या मतलब है, देखिए 30/6/2024 के बाद से, यानी कि मान लेते हैं 1 जुलाई से नई यहाँ पर गाइडलाइंस आई है और अगर इसके अंदर में आपने जो लिमिट यूज़ की है वो अगर 3000 या 3500 रुपये है या 1000 रुपये की अगर बात करें तो 1000 रुपये पर ये जो मैक्सिमम चार्ज लगा सकते हैं ये 32% तक का ही चार्ज काट सकते हैं। यानी कि 1000 रुपये अगर आपने लिया है तो वो मैक्सिमम यहाँ पे 400 रुपये तक आपको एक साल या उससे ज़्यादा ड्यू करेंगे तो चार्ज लगेगा। फ़िलहाल क्या था कि ये 200% का चार्ज लगा रहे थे। आप पहले यहाँ पर बातों को समझिए, पहले ये चार्ज लगा रहे थे 200%। अगर 2000 का लोन है तो एक साल बाद वो 6000 का होगा या 8000 का होगा। 200-300% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही थी एम पॉकेट, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी थी। लेकिन अब ये कंपनी ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि इसका सच सबके सामने आने के बाद, कंप्लेंट्स होने के बाद आरबीआई की नई गाइडलाइंस को इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अब 32% से ज़्यादा का सालाना इंटरेस्ट ये वसूल नहीं कर सकती। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनुअलाइज्ड परसेंटेज जो है इंटरेस्ट का वो आपको 32% लगेगा। यानी अब आपको यहाँ से अगर नया लोन आपने लिया है और डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपको 32% से साल का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। यानी अगर 1000 का लोन लिया है तो वो अब एक साल में 3000 का नहीं हो पाएगा, 1400 का ही रह जाएगा। ये बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ कंपनी को और बाकी कस्टमर्स को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा। अब यहाँ पे बात करते हैं उनके बारे में जिनका पहले से ही एम पॉकेट से लोन है और वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके मन में ये बड़ा सवाल होगा कि अब हम लोग क्या करें, हमारा लोन तो ऑलरेडी डबल हो चुका है और हमारे ऊपर तो ऑलरेडी पेनल्टी लग चुकी। अब आगे उनके ऊपर भले ही पेनल्टी कम लगेगी लेकिन ऑलरेडी ही काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना है कि उनका 2000 का लोन 5000, 5000 का 10000 और आपका कितने का लोन था और वो अभी कितना हो चुका है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। वो मुझे देखने के लिए काफ़ी बार मिला है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ सकती है वो समझिए, अगर पहले से आपका लोन है और डबल हो चुका है तो कंपनी ज़्यादा कोशिश करेगी कि उस पैसे में से कोई भी आपको डिस्काउंट ना दे, क्योंकि ऑलरेडी इनका अब धंधा बंद होने वाला है तो डिस्काउंट ना दे। तो आपको भी जटिल रहना है, जब तक वो आपको डिस्काउंट नहीं देती, पेनल्टी चार्जेस नहीं हटाती, आपके साथ इंसाफ नहीं करती, तब तक आप उनका पेमेंट होल्ड पे रखेंगे और पेमेंट नहीं करेंगे। बात करते हैं जो घर आने की, तो घर ये कभी भी आपके घर नहीं पहुंच सकते। बार बार जो धमकी देते हैं कि आपके घर हम पहुंचेंगे, आपके घर आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ नहीं बन सकती या ऐसा कोई भी एजेंट आपके घर या ऑफिस या आपके स्कूल या कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि आ नहीं सकता। इसका मतलब साफ है कि जितने भी इनके मैसेजेस वगैरह आते हैं कि घर पे हम रिकवरी एजेंट सेंड कर रहे हैं या आपके खिलाफ़ लीगल नोटिस ले रहे हैं, उसको आपको 1% भी सीरियसली नहीं लेना होगा। इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए। और साथ साथ में एक चीज़ और है कि ये मैसेज जितने भी लोगों को आया है जिनको समझ में नहीं आ रहा था, वो इस बात को ध्यान से समझ ले और अगर उनका लोन ऑलरेडी डबल है पहले से तो अभी भी इसी कोशिश में रहे कि कम से कम
आपका 80% तक तो इंटरेस्ट रेट हटा दे या पेनल्टी हटा दे, उसके बाद आप पेमेंट अगर करना चाहते हैं तो पेमेंट करके क्लोज़ कर दे सिबिल ठीक करने के लिए। और अगर नहीं भी करना चाहते हैं, सिबिल से मतलब नहीं है, तो भी कोई बड़ी दिक्कत या बड़ी समस्या नहीं आएगी। और इसी के साथ अभी एक चीज़ और बाकी रह गई है, वो लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने प्ले स्टोर पर या कमेंट सेक्शन में हैशटैग बैन एम पॉकेट नहीं लिखा है तो जल्दी से जाके लिखिए और जाके प्ले स्टोर में इसको सभी लोगों को बताइए कि क्यों एम पॉकेट को बैन करने की ज़रूरत थी। अब यहाँ से थोड़ी सी सुधार देखने के लिए मिल सकती है। अब आगे की जो भी अपडेट होगी वो जानने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगले।